अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्रो पाक जॉब डॉट कॉम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पंजाब पुलिस जो कि फेज़ टू का रिटर्न टेस्ट अब 13 मार्च 2022 को होने जा रहा है, तो उस हवाले से बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं ज़रूरी हैं जो कि आपको याद करने चाहिए और आपको पल्ले बांध लेने चाहिए ताकि आपको रिटर्न टेस्ट में वो काम आए जिसमें रिटर्न टेस्ट होने जा रहा है पंजाब हाईवे पुलिस का, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल का, वायरलेस ऑपरेटर का, SPU का। तो तमाम डिटेल आपको आज की इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजम सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल के आइकन को दबाएं। मजीद अगर आप हमारे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ साथ बताता चलो कि अगर आप पाकिस्तान की ताजा तरीन जॉब अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट करते रहें www.propakjob.com। और इसके साथ एक बात और कि अगर आपको पंजाब पुलिस के रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए तो वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो कि पेड हैं। आप फीस पे करेंगे, फीस सेंड करेंगे तो आपको बाय पोस्ट वो भेज दिए जाएंगे आपके घर के एड्रेस पर 2 से 3 दिन के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं कि पंजाब पुलिस के रिटर्न टेस्ट के लिए जो ज़रूरी सवाल है वो कौन कौन से। एक तो मैं आपको बता दूं कि जो इस बार पेपर ले रहा है वो पंजाब बोर्ड ऑफ एजुकेशन ले रहा है उसके, और उसके लिए उन्होंने सिलेबस भी जारी कर दिया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको ज़हन नशीन कर लेने चाहिए। तो उनमें नंबर 1 पर आता है जी इस्लामियात, ठीक है। इस्लामियात के बारे में आपको, इस्लाम के बारे में अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। इस सहाबा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। खिलाफत राशिदा के बारे में पता होना चाहिए, आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में पता होना चाहिए, और पिलर्स ऑफ इस्लाम, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, इसके बारे में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट लेवल पर आती है जी इस्लाम इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, बेसिक ग्रामर, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एनोनिम्स, ठीक है। तो इनके बारे में आपको अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आती है जी उर्दू, उर्दू के बारे में आपको बेसिक ग्रामर पता होना चाहिए, अल्फाज मतजाद पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको बुक्स का पता होना चाहिए, बुक्स के ऑथर्स का, मतलब कि कोई बुक आपसे पूछ लेता है कि आग का दरिया, ठीक है, आग का दरिया किस शायर ने लिखे, इसका ऑथर कौन है, तो मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेवल पे आती है जी मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स बेसिक आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अलजबरा हो गया, औसत वाले सवालात हो गए, ठीक है, परसेंटेज वाले सवालात हो गए, तो इस तरह के आपको बेसिक बेसिक से मैट्रिक लेवल के आपने तैयार करने हैं, ठीक है। तो मज़ीद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपको आपके जो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज आपको पाकिस्तान के बारे में अच्छा होना चाहिए, पाकिस्तान के करंट अफेयर्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपको बाहर के कैपिटल्स के पता होना चाहिए, मुल्कों के कैपिटल पता होना चाहिए, उनकी करेंसी का पता होना चाहिए, ठीक है, ये जनरल नॉलेज है। उसके बाद पाकिस्तान के मतलब किस वक्त वज़ीर दाखला कौन है, वज़ीर खारजा कौन है, इस तरह के आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मज़ीद आपको पुलिस के बारे में पता होना चाहिए कि पुलिस का डिपार्टमेंट कब बना, IG कौन है पंजाब का या बाकी सूबों का IG कौन है, और पुलिस का क्या मोटिव है, और इसके अलावा आपको अपनी पोस्ट के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कांस्टेबल का क्या काम होता है, एजुकेशन क्या होती है, पुलिस के महकमे के बारे में थोड़ी बहुत आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो मज़ीद आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और आपको बता दूं कि अगर आपको पंजाब पुलिस के रिटर्न टेस्ट की तैयारी के लिए नोट्स चाहिए हो तो नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। वीडियो को शुरू में मैंने आपको बताया कि आप फीस पे करेंगे जो कि पेड है, फीस सेंड करेंगे आपको आपके घर के एड्रेस पर, जो आप एड्रेस बताएंगे उसमें 1 से 2 दिन के अंदर आपको वो नोट्स बाई पोस्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी, 100% गारंटी है हमारी, आपको नोट्स मिलेंगे। तो जो बातें मैंने आपको बताई ये पल्ले बांध लें, आपको इंशाल्लाह टेस्ट में ये काम आएंगी। मज़ीद भी मैं को अपने चैनल पर तैयारी करवाता रहूँगा आप जब तक टेस्ट नहीं हो जाता। तो 13 मार्च 2022 को टेस्ट है, तो इंशाल्लाह आप तैयारी करें। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।